हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए साबुदाना वड़ा। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमने लिया है सोख साबुदाना, इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका पानी अभी निकाल दिया है। ये बड़ा वाला साबुदाना मैंने लिया है। 4 से 5 बॉइल्ड पोटैटो, अदरक, ग्रेटेड अदरक, कटा हुआ हरा धनिया, सेंधा नमक, भुना जीरा, नींबू का रस, लाल मिर्ची पाउडर और कुटी हुई मूंगफली। ये रोस्टेड मूंगफली है जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है। ये देखिए, हमने साबुदाने को किसी बड़े बर्तन में निकाल लिया है। इसमें हम उसमें डालते हैं बॉयल पोटैटो और इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना साबुदाना और आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें अपना बाकी सामान डालते हैं। हम इसमें डालते हैं बारीक कटा हरा धनिया, भुना जीरा, लाल मिर्ची पाउडर, अदरक। अदरक डालने से बहुत अच्छा रहता है कि ये हैवी नहीं होते हैं, डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है इससे। लेमन जूस, कुटी हुई मूंगफली और नमक। ये सेंधा नमक लिया है। अगर आप व्रत में नहीं बना रहे हैं, नॉर्मली ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हैं, तो आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका एक डो फॉर्म करना है हमें बेसिकली। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसके वड़े बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल से। मैं इसके लिए गोल गोल बना रही हूँ और बीच में फिंगर की हेल्प से एक होल कर दिया है, जिससे ये सिकने में अच्छे रहेंगे और अंदर से कच्चे कच्चे नहीं लगेंगे। बस हमें अपने सारे वड़े ऐसे ही बनाने हैं। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा बड़ा। ये मैंने रोल किया और बीच में होल कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे वड़े बना लिए हैं। अब हम इसे एक एक करके डीप फ्राई करेंगे। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर दिया है ऑलरेडी। ये फ्लेम हमें इसकी मीडियम ही रखनी है। अब हम अपने इसमें वड़े डालते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बार में जितने वड़े आए हैं हमारे उतने डाल दिए हैं और ये हमने मीडियम फ्लेम ही रखी है, उस पर हम इसे तल रहे हैं। ये थोड़े से सिक जाए फिर हम उसके बाद इसे पलटेंगे। एकदम से नहीं पलटने हैं वरना ये टूट भी सकते हैं। तो ये थोड़े से हमें ऐसा लगेगा ये ब्राउन कलर हो गया है, फिर हम उसके बाद इसे टर्न करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे एक एक करके पलट लेते हैं। जब तक हमने नहीं लगा था कि ये गोल्डन ब्राउन हो गए, तब तक हमने इसे छेड़ा भी नहीं था, ज़रा सी भी इसमें नहीं लगाया था करछी अपनी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने आसानी से पलट रहे हैं। बस ये एक तरफ से और सिक जाए, फिर ये हमारे साबुदाने बड़े बनके तैयार हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बड़े तल चुके हैं। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। ये हमारे साबुदाने बड़े तल के तैयार हैं। आप इसे खाइए, एंजॉय कीजिए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।